हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गुड्डू सिन्हा, जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है वृद्धि और विकास, यानी सीडीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वृद्धि और विकास। यानी वृद्धि और विकास के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि वृद्धि की क्या विशेषताएँ होती है, विकास की क्या विशेषताएँ होती है, वृद्धि विकास में क्या डिफरेंट होते हैं, इस सारी बातों को आज हम लोग जानते हैं। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना कभी मत भूलिए। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या हैं। यानी वृद्धि और विकास के सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। पहला है यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत, यानी निरंतर, यानी किसी भी काम को हम करते हैं तो निरंतर करना चाहिए, जिसको बोलते हैं कंटिन्यू। यानी वृद्धि और विकास क्या है तो निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है। सेकंड क्या है, तीव्र गति का सिद्धांत, यानी वृद्धि और विकास क्या है तीव्र गति से भी होते हैं, यानी तीव्र गति के सिद्धांत भी से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, समान से विशेष की ओर, यानी कहने का मतलब ये है कि जनरल से स्पेशल की ओर विकास भी होता है, वृद्धि भी होता है। अगला है व्यक्ति की विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी हर बच्चे में एक जैसे विशेषताएं नहीं होते हैं, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, सभी के अंदर अलग अलग विशेषताएं होती है, यानी उनके अंदर विभिन्नताएं भी अलग अलग होती है। वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत, यानी कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे होते हैं किस इन्वायरमेंट के अंदर और कैसा उनका वातावरण है और कैसा उनका वंशानुक्रम है, यानी कह सकते हैं उनके कि वंशानुक्रम और वातावरण के सिद्धांत के आधार पर भी वृद्धि और विकास है जो प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्या है, परिपक्वता का सिद्धांत, परिपक्वता जिसको बोलते हैं मेच्योरिटी, यानी मेच्योर होना, कहने का मतलब ये है कि वृद्धि और विकास के अंतर्गत ही क्या है तो परिपक्व होना, परिपक्वन होना। अगला एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण यानी वृद्धि और विकास के अंतर्गत ये भी एक सिद्धांत है, एकीकृत होना, यानी कह सकते हैं एकीकरण होना। अगला है विकास की दिशा, इम्पॉर्टेंट है कि विकास की दिशा, कहने का मतलब ये है कि वृद्धि किस दिशा में हो रही है, यानी कहने का मतलब वो पॉजिटिव की तरफ हो रहे हैं या निगेटिव की तरफ हो रहे हैं, यानी विकास तो कर रहा है बच्चा लेकिन कैसा कर रहा है, विकास करने का मतलब क्या है, उसमें निगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं या पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहे हैं। अगला क्या है, तो भविष्यवाणी का सिद्धांत, यानी आज के विकास के दर को देखते हुए हम आने वाले विकास की संभावना व्यक्त कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जैसा उनका आज का विकास का दर है, वृद्धि का दर है, उसी को देखते हुए हम बोलते हैं कि लड़का भविष्य में क्या कर सकता है। ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये वृद्धि और विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। एक बार से फिर से आपको देख सकते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, दोनों में अंतर बताया गया है कि दोनों किस तरह से दूसरे से अंतर है, वृद्धि और विकास आखिर दोनों अंतर है दोनों में क्या। तो सबसे पहले जानते हैं वृद्धि के बारे में। वृद्धि का अर्थ होता है कि शरीर से किसी अंग की वृद्धि होना जो हम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे सकती है, कहने का मतलब है वृद्धि से बोलते हैं जिससे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि उसके अंदर वृद्धि हो रहा है, यानी डेवलप हो रहा है, यानी जिससे हम प्रत्यक्ष डायरेक्टली जिससे हम देखते हैं चेंजिंग को, वैसा चेंजिंग, वैसा परिवर्तन, वैसा विकास जिससे हम देख सकते हैं वो बोला जाता है। तो वृद्धि यानी वो शरीर के किसी अंग के माध्यम से हो, यानी किसी प्रकार से शारीरिक वृद्धि हो, यानी कहने का मतलब इसमें ऐसा चेंजिंग होता है जिससे हम लोग देखते हैं क्या कहलाता है, तो यहाँ पे वृद्धि कहलाता है। जैसे लंबाई का बढ़ना, लंबाई हम लोग देखते हैं छोटा से लेकर बड़ा बच्चे तक किस तरह से बढ़ते रहते हैं, अर्थात कहने का मेरा मतलब ये है कि वृद्धि क्या होते हैं तो मात्रात्मक होते हैं, यानी वृद्धि में क्या होती है तो मात्रा होती है। इसके अलावा वृद्धि के कुछ विशेषताएं भी होती हैं, यानी वृद्धि बतलाया गया है कि कुछ इसके अंतर्गत विशेषताएं, यानी कैसे हम पहचान सकते हैं कि लड़का वृद्धि कर रहा है या विकास कर रहा है, यानी कि क्या विशेषताएं हैं, यानी वृद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं, वृद्धि इसके विशेषताएँ को देखते हैं। सबसे पहला है वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, कहने का मतलब है कि जो वृद्धि होते हैं, जो विकास होता है, विकास का एक पार्ट से वृद्धि, जो वृद्धि होते हैं उसे हम डायरेक्ट देख सकते हैं, यानी उसे कहने का मतलब वो जो भी चेंज होता है उसे हम अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी उसमें एक उसे माप सकते हैं, यानी जो वृद्धि उसमें हुआ क्या उसको हम माप सकते हैं। वृद्धि सदैव समान गति से नहीं होती, कहने का मतलब सभी एक ही एज के बच्चा है तो एक ही तरह से उनका लंबाई नहीं बढ़ेगा, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। वृद्धि जीवन भर नहीं चलती, इम्पोर्टेंट है, क्या बोलते हैं, वृद्धि जीवन भर नहीं चलती, जैसे मानते हैं लंबाई, लंबाई जीवन भर नहीं चलता, एक लिमिट एक सीमा के अंदर वो क्या होती है तो रुक जाती है, ये बोलते हैं कि वृद्धि है जो जीवन भर नहीं चलती है। वृद्धि का एक समय काल होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि वृद्धि जीवन भर नहीं चलता है, उनका एक टाइम होता है, जैसे मानते हैं बच्चा का लंबाई बढ़ता है तो लंबाई पूरे जीवन नहीं बढ़ते, एक लिमिटेड समय होते हैं 17 साल हो 18 साल हो, उसके बाद वो बढ़ना उनका बंद हो जाता है, यानी उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है। यही हुआ क्या कि वृद्धि एक समय के अंतर्गत होते हैं, लिमिट समय में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो शारीरिक वृद्धि होते हैं और मानसिक वृद्धि होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी शारीरिक वृद्धि होता है तो मानसिक वृद्धि भी होते हैं और मानसिक वृद्धि होते हैं तो शारीरिक वृद्धि भी होता है, यानी एक दूसरे के क्या हैं तो पूरक हैं। अब हम चलते हैं विकास की तरफ, विकास क्या है, विकास के बारे में जानते हैं, ऊपर तो हम लोग जानते हैं वृद्धि के बारे में, विकास के बारे में जानते हैं। विकास आखिर है क्या, विकास का दायरा बहुत बड़ा है, बोलते हैं वृद्धि क्या थे कि लिमिटेशन में था, लिमिटेड थे, लेकिन जो विकास है बहुत बड़ा है, जिसमें वृद्धि भी शामिल होते हैं, बताया गया जिसमें क्या होते हैं तो वृद्धि भी उसी के अंतर्गत, यानी विकास के अंतर्गत ही वृद्धि भी आते हैं, अर्थात वृद्धि होना भी विकास के अंतर्गत ही हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा वृद्धि कर रहा है वो भी क्या है तो विकास के अंतर्गत ही वो भी आते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं बतलाई गई है, क्या क्या विशेषताएं हैं हम देखते हैं, विशेषताएं क्या है, विकास दिखाई भी देता है और नहीं भी देता है, कहने का मतलब है विकास क्या है प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी, यानी देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, दोनों तरह से वो हैं। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे देख लेते हैं, जो विकास है जीवन भर यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी मृत्यु के बाद तक भी ये चलते रहते हैं, यानी विकास कभी रुकता नहीं है, बल्कि उनकी गति धीमी हो सकती है लेकिन कभी रुकता वह नहीं है, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया, देखिए नेक्स्ट लाइन यही है कि विकास कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, हमेशा चलती रहती है। विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों आते हैं, विकास में दोनों आते हैं, वृद्धि भी आते हैं और विकास भी आते हैं, इसमें शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है, दोनों आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है, आगे देखते हैं क्या है। अब वृद्धि और विकास के बीच अंतर हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंट हैं, वृद्धि और विकास के अंतर्गत इनके अंतर क्या हैं, तो वृद्धि और विकास में निम्नलिखित अंतर हैं, यानी वृद्धि और विकास के बारे में हम जाने कि वृद्धि क्या है तो एक समय के अंतर्गत होती है, विकास क्या है पूरे जीवन चलते रहता है, ऐसे बहुत सारे अंतर भी और हैं, ये देखते हैं हम लोग। विकास, सबसे पहले विकास, विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, यानी पूरे जीवन, यानी लाइफ में पूरे लाइफ क्या है जन्म से लेके मृत्यु तक, यानी मृत्यु के बाद तक भी विकास चलती रहती है। अब बोलिएगा मृत्यु के बाद कैसे विकास चलता है, जैसे कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ महापुरुष हैं जिनके मरने के बाद पुरस्कार दिया गया, इसका मतलब उनका विकास हुआ। विकास का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है, बताया गया है कि विकास जो होते हैं बहुत ही बड़ा इनका क्षेत्र है, जिसमें हमारे संपूर्ण विकास के क्षेत्र में शामिल किया गया है, बतलाते हैं कि विकास बहुत बड़ा है लेकिन हमारे जितने भी विकास है सभी के सभी, यानी शारीरिक विकास और मानसिक विकास और सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं तो विकास के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट लाइन यही है, जिसमें शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों आते हैं, विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ लिए हुए है, कहने का मतलब है कि जो विकास नाम का शब्द है, विकास शब्द है, डेवलप शब्द है, वो क्या है तो बहुत ही बड़ा अपने आप में उसका बहुत बड़ा एक अर्थ है। विकास के अंतर्गत वृद्धि एक छोटा सा भाग है, या एक ये भी कह सकते हैं कि वृद्धि ही विकास के अंतर्गत आती है, यानी कहने का वृद्धि है विकास का ही एक पार्ट्स है।
यानी कहने का मतलब ये है कि विकास का ही एक पार्ट क्या है तो वृद्धि है, यानी छोटा सा पार्ट वृद्धि है लेकिन विकास का है तो बहुत बड़ा एक भाग है, बहुत बड़ा अपने आप में वो एक शब्द है। ये क्या था? विकास। अब जानते हैं हम लोग वृद्धि के बारे में। वृद्धि क्या यहाँ पे है? वृद्धि हमारे विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले एक छोटा सा भाग है। बोलते हैं वृद्धि क्या है तो विकास का एक छोटा सा पार्ट्स क्या है तो वृद्धि है, जिसमें केवल वृद्धि को ही शामिल किया जाता है। बोलते हैं कि वृद्धि में केवल वृद्धि ही आते हैं लेकिन विकास में वृद्धि भी आते हैं। विकास बोला जाए तो विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आते हैं लेकिन वृद्धि में सिर्फ वृद्धि ही होते हैं। वृद्धि का समय काल एक निश्चित होता है, बताया गया है कि वृद्धि क्या होते हैं, एक निश्चित समय के लिए होते हैं, अर्थात वृद्धि का निश्चित समय तक ही होती है, अर्थात संपूर्ण विकास में होने वाला एक छोटा सा भाग क्या है तो वृद्धि है। यानी वृद्धि क्या है? पूरे जीवन में जो हम विकास करते हैं उसी का एक छोटा सा पार्ट्स क्या है तो वृद्धि है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं विकास के बारे में और वृद्धि के बारे में, समझते चलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। विकास के अंतर्गत कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार आदि के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को शामिल किया गया है। यानी विकास में क्या क्या आते हैं तो काम करने की कुशलता आती है, काम करने की क्षमता आती है, उनका बिहेवियर आता है, ये सभी क्रियाएँ शामिल होती हैं विकास के अंतर्गत। जबकि वृद्धि में क्या आते हैं तो बालक का बढ़ना, जैसे में लंबाई का बढ़ना विभिन्न तथ्यों में शामिल किए जाते हैं। यानी लंबाई किस तरह से अलग अलग एज में अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं और एक ऐसा एज आता है कि जहाँ पर लंबाई बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन में जीवन प्रयत्न चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। जब मनुष्य जीवित रहता है तब तक विकास की क्रिया चलती रहती है। कहने का मतलब यह है कि विकास कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। हर वर्ड में इस लाइन को रिपीट किया गया है, यानी विकास क्या है तो जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। जबकि वृद्धि क्या है? वृद्धि के बारे में क्या बतलाया गया है देखते हैं। वृद्धि क्या है? तो वृद्धि एक निश्चित समय काल तक ही चलती है। वृद्धि क्या है तो एक निश्चित समय होते हैं, लिमिट टाइम होती है, उसी के अंतर्गत वो चलते हैं। वृद्धि विकास की तरह कभी जीवन भर नहीं चलती है। वृद्धि की एक निश्चित समय सीमा या समय काल होता है। मतलब क्या है कि जो वृद्धि होते हैं विकास की तरह नहीं है कि पूरे जीवन भर साथ देगा आपको, बल्कि एक जीवन के कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ समय तक ही वृद्धि होती है। विकास के अंतर्गत वृद्धि की सभी क्रियाएं शामिल करते हैं, जबकि वृद्धि होने का अर्थ है बिल्कुल भी नहीं होता जिसमें विकास भी हो। ए लाइन बतलाया गया है इसमें कि अगर हम विकास कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि होगा, लेकिन अगर हम वृद्धि कर रहे हैं तो उसमें विकास हो ये जरूरी नहीं है, होता ही नहीं है। यानी वृद्धि के अंतर्गत विकास कभी नहीं होते हैं लेकिन विकास के अंतर्गत वृद्धि होता है। आगे देखते हैं क्या है। अब मानसिक विकास के बारे में थोड़ा सा चर्चा ऊपर की गई थी, मानसिक विकास के बारे में जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। मानसिक विकास है क्या? मानसिक विकास एक ऐसे विकास है जो निरंतर चलता रहता है, अर्थात जैसा है कि हम जानते हैं कि हमारे शारीरिक विकास के एक समय सीमा अथवा काल होता है जिसके बीच में शारीरिक विकास होता है, या ये कह सकते हैं कि निश्चित समय थे कि हमारा शारीरिक विकास होता है। बोलते हैं मानसिक विकास क्या होता है तो पूरे जीवन भर चलता है, निरंतर चलते रहता है, लेकिन शारीरिक विकास क्या होते हैं एक समय होते हैं, समय में लिमिटेशन होता है, लिमिट टाइम पे ही होता है। लेकिन मानसिक विकास क्या होता है तो पूरे जीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। यहाँ पे बताया गया है विकास के बारे में, मानव विकास के बारे में, यानी भारतीय मनुष्यों यानी विद्वानों के द्वारा बतलाई गई है क्या कि भी 7 प्रकार से होते हैं। यानी मानव विकास कितने स्तर पे करता है तो 7 तरीके से इनका विकास का स्तर है। क्या क्या है? सबसे पहला है गर्भाशय अवस्था। इसके अंतर्गत क्या होते हैं? गर्भधान से जन्म तक का समय क्या कहलाता है तो गर्भावस्था कहलाता है। जिस समय गर्भधान होता है और उसके साथ ही साथ जब बच्चा का जन्म होता है, ये दोनों के बीच का समय क्या कहलाता है? गर्भ अवस्था कहलाता है। कभी कभी समय पूछ लिया जाता है। शैशवावस्था क्या होते हैं? यानी जन्म से लेकर 5 वर्ष का समय कहलाता है शैशवावस्था। जब बच्चा का जन्म हुआ, जन्म से यानी 0 से लेकर 5 वर्ष तक क्या है तो शैशवावस्था, लेकिन 0 से पहले का अवस्था कहलाता है गर्भ अवस्था।
बाल्यावस्था क्या होते हैं, इसके अंतर्गत 5 से 12 वर्ष के समय होता है, यानी 5 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में क्या होते हैं तो बाल्यावस्था होते हैं। अगला क्या है तो किशोरावस्था, किशोरावस्था में क्या होता है तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि 12 वर्ष से 18 वर्ष का समय कहलाता है किशोरावस्था। युवावस्था क्या होते हैं, 18 वर्ष से 25 वर्ष का अवस्था कहलाता है युवावस्था। और प्रौढ़ावस्था क्या होता है, 25 से लेकर 55 का समय कहलाता है प्रौढ़ावस्था। और वृद्धावस्था क्या होते हैं, 55 से मृत्यु तक का समय कहलाता है क्या, वृद्धावस्था। एक बार फिर से देख लेते हैं अवस्था के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट सारी अवस्थाएँ हैं। गर्भावस्था कब से होता है तो गर्भावस्था बतलाया गया है गर्भधान से लेके जन्म तक। शैशवावस्था जन्म से लेके 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था 5 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। और युवावस्था क्या है तो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक। और क्या है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था में क्या आते हैं तो 25 से लेके 55 वर्ष तक। और वृद्धावस्था क्या है तो 55 से लेके मृत्यु तक, ये कहलाते हैं वृद्धा अवस्था। ये थे अवस्थाएँ, ये हमारा टोटल वीडियो था। पूरा वीडियो क्या था तो वृद्धि और विकास के बारे में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।